पानी अच्छे से निकल गया है, अब मैं इसे उठा देती हूँ और रख दे रही हूँ। इसको अच्छे से मैं पहले बंद कर दूंगी। ये वाले बॉक्सेस भी मैंने आपसे मतलब कि अपने अमेजोन हॉल में शेयर किए हुए हैं कि ये मैंने अमेजोन से लिए थे। उसके हिंजिस के कारण ही ये मुझे बहुत अच्छे लगे। नॉर्मली क्या होता है कि हिंजिस ख़राब हो जाते हैं, तो इसका ये क्या है, डिटैचेबल है, ख़राब भी नहीं होते हैं। वॉश होने के बाद आप इसे जैसे मर्जी निकाल के रख सकते हैं। तो यहाँ मैं रख दूँगी ये अपना, यहाँ यस हो जाएगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को दूंगी गुड न्यूज़। वो कौन सी? कि हमारा ये वाला भी एसी चल पड़ा। अभी तो टाइम पास वाला काम हुआ है। यहाँ पे हमने बेड शिफ्ट करने उतरी, तो ये वाला एसी, विंडो एसी चल पड़ा है। अभी तो सिर्फ जुगाड़ जो भी हुआ है सारा, क्या कहते हैं उसको, टेम्प्रेरी जुगाड़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं मिल रहा हेल्पर करने के लिए, तो इन्होंने खुद से किया है। लेकिन मज़ेदार ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना। ये क्या तेरा माइक है? जिया को देखो कहाँ बैठी है। तो ये दोनों मेरे बच्चे ना जब भी एसी की हवा लेनी हो ठंडी ठंडी, तो इस रूम में आ जाते हैं। और मैं डिसाइड कर रहे हैं हम लोग कि इस रूम में हम डबल बेड शिफ्ट कर देते हैं, सो दैट कि यहाँ पे इजी। और ये वाला जो ये स्टडी टेबल है, और ये दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि इससे होगी ना, जब हमें लाइक लॉकडाउन लग गया और हमारा एसी नहीं हो पा रहा था, और एक ही एसी लगा था वो ये वाला, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। प्लीज यार इग्नोर करना हर चीज़ों को, क्योंकि अभी घर की हालत ऐसी है। और बस एक ये वाला पूजा रूम है, इसको मैं शिफ्ट करूँगी दूसरे रूम में। तो चलो माँ, आपको मैं दूसरे रूम में भी ले चलती हूँ। जो पहले ये हमारा बेडरूम था, अब जिसको हमने बंद कर रखा है, अब ये जो है ना, ये छिपकलियों का रूम है ना, यहाँ पे आ जाती है छिपकली कभी कभी। तो अभी ये वाला बेड में ले जाऊँगी दूसरे रूम में। तो यहाँ कहाँ रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा यहाँ पर छिपकली है, और सच में थी भी छिपकली, लेकिन छिपकली का छोटा सा बच्चा था जो काले रंग का था। और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ गया उस टाइम पे कि मैंने क्या देख लिया रूम में, क्योंकि ना यहाँ बाहर ऐसे भी एकदम ड्राई एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्नेक वनेक सब कुछ बहुत कुछ निकलता है। तो आई होप थैंक गॉड कि मेरा घर ऊपर वाला है, फर्स्ट फ्लोर में हूँ, तो वहाँ कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी एक डर रहता है ना माइंड में कि कहीं कुछ आ तो नहीं गया। मैंने तो डोर के पास भी जैसे स्टॉपर होते हैं वो लगा के रखे, बट फिर भी ना दिल में दहशत है कि कुछ आ ना जाए। तो हमने अपने इस रूम की शूटिंग कर दिया स्टार्ट। हस्बैंड जी लग पड़े हैं इसे खोलने के लिए बेड को। तो हम इसे, मैंने आपको बताया था ना, एसी वाले रूम हम शिफ्ट करेंगे। वो ना पीछे मैंने वो रखा हुआ है, कैरम बोर्ड रखा है पीछे, यार है ना छोटी सी छिपकली, तभी तो मेरे को डर लग रहा है। एक मिनट रुक जाना यार, यहाँ पे ना छिपकली के, हाँ रुको 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 रिया रुको। तो फाइनली हमने ये प्लानिंग कर ली कि हम अपना बेड शिफ्ट करेंगे दूसरे रूम में। मुझे ना क्लीन, मतलब कि साल हो गया था मैं बेड बॉक्स ओपन नहीं किया था, इसी बहाने ना मेरा बेड बॉक्स भी क्लीन हो जाएगा। इतना बहुत सारी छिपकलियां आ गई थी, ये पता क्यों कब संभव हुआ, जब ना ये आप अब घर पे हो ना, नहीं तो आप भी ऑफिस चले जाते हो, अकेले करना डिफिकल्ट हो जाता है। जी बेटा, पास्ता उसके शाम को बनाएंगे। हाँ तो मैं यही रखा, यस ये आपने अच्छा बोला। देखी हाँ, एक बेड देखी खराब हो गया, टूट गया या क्या है। बाइको ने ना जैसे शिफ्टिंग हुई है ना, देखो ये क्या कर रहे, इतने ना इन्होंने इस तरह लगा था, इधर मतलब ये अंदर भी होलो है, अरे मिट्टी लगाई हुई है जिस तरह ने। शिफ्टिंग के टाइम में ना आप सामान जितने भी अच्छे से ले आओ, जब ये ट्रांसफ़र होती है ना, तो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कुछ बहुत ज़्यादा मेरा वो काफ़ी लाइक नुकसान हुआ है। दिखाऊंगी अभी तो आपको बेड दिखा रही हूँ कि वो भी काफ़ी पीछे से भी आगे से भी काफ़ी ज़्यादा से टूट गया है। तो बस ऐसा चलता ही रहता है, और अभी मैं कर रही हूँ सफाई। तो ये फ़ायदा होता है जब हस्बैंड लोग ना घर में हो। अब क्या है ना, इनकी ना शिफ्ट ड्यूटी लग गई है, तो मुझे मॉर्निंग में और इवनिंग में जब दिल चाहूँ टाइम से ले सकती हूँ, और ऐसे हेल्प हो जाएगी।
नहीं तो यार अकेले नहीं होता ये सब काम। तो मैंने ऐसे ब्रशेस रखे हुए हैं जैसे कॉर्नर से ना अच्छे से। तो यहाँ बाहर का भी व्यू बना रहे हैं। ये तो बाहर ना बादल गरज रहे थे और खूब सारी चिड़िया चहचहा रही थी और गमले के पास चिड़िया बैठी थी। तो मैंने इनको कहा कि जब तक मैं बेड क्लीन कर रही हूँ तो आप बाहर का बना लो। तो ये बना रहे हैं कि चिड़िया गमलों में बैठी हुई है, पानी पी रही है और बाहर बारिश का मौसम तैयार हो चुका है लेकिन हुई नहीं। तो यहाँ पर मैंने बेड क्लीन कर लिया और वो सारा हो चुका है इसको। अब हम कर देते हैं इसकी शिफ्टिंग। तो चलो, तो हमें अपना बेड इस रूम में लाने के लिए लाइक बेडरूम हम इस रूम में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ लाने के लिए हमें पहले एंजल करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा स्टडी टेबल है एंजल का, तो इसको डिसमेंटल करेंगे तभी ये जाएगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो रही थी। तो डिसमेंटल करने के लिए पहले तो हमें एंजल का ये जो स्टडी रूम है इसको खाली करना पड़ा। फिर इसको इसके ना ज्वाइंट पेज से ज्वाइंट हुआ तो उसको खोल कर इसको अलग अलग किया, फिर निकला ये बाहर। तो अभी तो काफ़ी सामान है, तो जब होता है जब शिफ्टिंग करनी होता है तो बहुत क्लटर फैलता पूरी जगह पर। और यहाँ घर से आ गया था फ़ोन, तो बेड भी हम लोग ले आए थे और पीछे की जो बैक होती है वो भी ले आए थे। तो फिर घर से फ़ोन आ गया तो उस पर थोड़ी देर में बात करने लग पड़ी, मैं कहा बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने दूसरा बेड लेके आना था, तब तक मैं वो क्लीन करने लगी। तो क्लीन कर लिया फटाफट से सेकंड वाला भी, सो दैट कि दोनों इकट्ठे जुड़ जाएंगे। पहले तो मन नहीं था लेकिन सोचा कि नहीं ये बिखरा रहेगा तो ले चलते हैं, फटाफट से कर ही देते हैं। तो यहाँ मैंने ऐसे बिछा दिया अभी इसके कारपेट, इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इसको वॉश किया ओके रखा हुआ था क्योंकि यहाँ पे समर्स बहुत ज़्यादा होती है। सो ओके नाउ अब मैं मेरे ना ऐसे वाले बैग्स हैं, इसमें देखो क्या कलर। अच्छा ये इसमें सारे जियाना के बचपन के कपड़े हैं। तो ये बैग मैंने सारे अमेजोन से मंगवाए थे, इनमें मैंने सारे से स्टोर करके सेव करके रखे हुए हैं। ठीक है, मैं ना जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करूँगी आपको दिखाऊंगी कि इसके नीचे हमने कौन से मैट्रेस बिछाया है। तो अभी तो सारा तो बेड की सेटिंग हो चुकी थी, उसके बाद मैं भूख भी लग पड़ी, अब शाम भी हो गई थी तो सोचा कि कुछ बनाया जाए। तो दोपहर में तो मैंने खिचड़ी बनाई थी वही खा ली थी हमने, और अभी फिर मैंने ये किया कि दाल मैंने ना भिगो के रखी हुई थी दले चने की, तो उसको लाइक उबाल के रखी हुई थी तो फिर उसको बस ऐसे ग्राइंड किया एंड आटे में मिक्स करके उसके चिल्ले बना दिए, बहुत ही यमी एंड टेस्टी वाले बने थे। तो हमारा ये नाश्ता और लंच मतलब कि डिनर एंड जो इवनिंग स्नैक्स होता है वो दोनों एक ही साथ हो गया, और रात को एक एक दूध का गिलास पिया और ये हो गया। और ये जो मैंने बनाया ये बहुत ही टेस्टी बने थे, इस पर सिर्फ दाल को अपने दले चने की दाल को बॉयल करके देन उसको मिक्सी में ग्राइंड करके फिर उसको मैंने आटे के साथ मिक्स कर दिया था। एंड आफ्टर दैट उसमें आप जो मसाला डालना चाहते हैं वो डाल, और इसमें मैंने ना एक एडिशन किया था कि ये आम के अचार का मसाला डाला था, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा और एनहांस हो गया था। तो लाइक बहुत मज़ा आया, और आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। जियाना ने मम्मा के आम पे पता क्या बनाया, आपको दिखाती हूँ। ये लिप्स का टैटो 3-3 है ना। हाँ। तो अब जियाना यहाँ पर देखो, जियाना ने प्रिंसेस बनाई है, क्लाउड्स बनाया है, सन, यहाँ पर भी। और व्यूअर ये देखो, ये मेरे पापा के लिए थी। हाँ, पापा के लिए था। और ये पापा ने बनाया और ये मैंने बनाया। ओके वाह, अभी जियाना और बना रही है जिसमें वो अपनी दीदू को बना रही है और खुद ये को रॉन्ग हो गई थी। ये रॉन्ग हो गई थी, अच्छा। तो इधर हैंग रहा और ये राइट थी, और ये देखो ये ऑल है ना। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी दुनिया, एंड प्लीज़ यार कमेंट करिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, किसी भी रीज़न से अच्छी लगती हो, कुछ भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए करिए, और कमेंट मी ऑल्सो। एंड अगर आपको अच्छी लगती है तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ, स्टे एट होम एंड जियाना सेज़ आई लव यू एंड बाय बाय, टेक केयर।